सभी का शरद कुमार प्रधान जी द्वारा अनुभव 2021 की पाम लीफ एंग्रेफ के तीन में प्राप्त है। शरद कुमार प्रधान जी ने तापत में स्नातक किए हैं। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित हैं और आश्रम कार्यक्रम का पूरे अपने पूरे मन से पालन कर रहे हैं। इससे आगे बढ़े आप सभी को इस कार्यक्रम दौरान कुछ अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना होगा। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चैट बॉक्स में लिख दें। किसी भी तरह की अनावश्यक हलचल या गलत व्यवहार आपको इस कार्यक्रम से बाहर कर सकता है। आप सभी को प्रश्न पूछने के लिए केवल अंतिम 10 मिनट में समय दिया जाएगा। मैं उन लोगों को भी स्वागत करती हूँ लिंक से हमसे जुड़ रहे हैं। यह कार्यशाला से 12 पर आई जाएगी। अतः निवेदन है इस डिजिटल के प्रसिद्ध चित्रकार विद्वान शर्मा प्रधान जी का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है। अब मैं श्री शरद कुमार प्रधान जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, आप इस कार्यशाला को अब आगे बढ़ा सकते हैं। जी। जय जगन्नाथ, जय हिंद। अनुभव 2021 चित मैक द्वारा 5 दिन का वार्षिक में आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन को हमारे साथ जुड़े हुए सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन सुप्रभात। आज हम हमारी जो पारंपरिक चित्रकला तालपत्र खुदाई इसी बारे में इसका कुछ ये बारे में आप लोग को हम ये पेंटिंग का ये कलाकृति का बेसिक नॉलेज बारे में आप बताएंगे। आप 2 दिन तक देखे हमने जो जो किया आपको मालूम होगा कि पहला दिन हम लोग आपको बताए थे कैसे फिगर बनाएंगे जिस हिसाब से 7.5 गुना लेकर एक स्टैचू लेते हैं। जो जो हिसाब से आप फिगर बनाएंगे वो तो हमने पहले दिन बताया था। और हमारी पेंटिंग का जो बेसिक होता है पहले आपको पद्म फूल करना पड़ता है, बाद में मछली बनाना पड़ता है, और जो पेंटिंग का बीच में जो जो चीज आता है। अब जिस टाइम एक मान लो आप लोग एक कृष्णा जी का रासलीला बनाए तो फिर आपको क्या क्या चाहिए, तो एक राधा उनका साथ कृष्णा जी का साथ राधा और गोपी लोग होता है। इसका बैकग्राउंड में आपको एक पेड़ होना चाहिए, पेड़ का साथ कोई चिड़िया वगैरह होना चाहिए, और पेंटिंग का नीचे वाला जो होता है शायद स्टैंड होता है, फिर भी नहीं होगा तो पानी का सीनरी भी हम दिखाते हैं। पानी का सीनरी में आप लोग को हम पानी का अंदर पद्म फूल आता है, मछली आता है, हंस आता है, ये सब बनाते हैं। तो हम आपको आज 2 तो दिखाए थे पहले, पद्म फूल और हंस। आज आपको हमने मछली दिखाया था, आज आपको हंस सिखाएंगे कैसे हम हंस बनता है, क्योंकि हमारी ये पेंटिंग का एक स्टाइल होता है। आप लोग तो हंस का पेंटिंग देखते रहे, सभी जगह में देखते हैं, फिर क्या देखने में आपको पता चलेगा कि ये हाँ ये उड़ीसा की पेंटिंग। इसीलिए सभी चीज का, या पक्षी हो, पशु हो, आदमी का तस्वीर हो, जो भी हो, सभी में एक स्टाइल अलग होता है। हमारी स्टाइल जो होता है उसका स्टाइल अलग होता है, जिस हिसाब से आपको ये दिखाना पड़ता है। आप देखिए जैसे हम
पूरा ध्यान से देखिए सभी लोग। आपको पद्म बनाने का एक तरीका हमने बताया था पहला दिन, आप ऐसे दो लाइन लीजिए, इसको आराम से कर लीजिए। और आप लोग ये भी नोट कर लीजिए कि आप लोग जो दो दिन हो गया सीखा हुआ है, इनका नाम क्या है, पाम लीव एनगार्विंग या ताड़ पत्ता खुदाई या पोथी चित्रपट, इसको ध्यान में रखना होगा। और इनका साथ, एक फूल तो बनता ही नहीं ना, उसका साथ ये भी होता है, कली का भी होता है, इनका पत्ता भी होता है, मैं इसीलिए दिखाया हूँ। अब सभी लोग आप आपका ड्राइंग शीट या पेपर, उनका साथ पेन, पेन यूज करके वो जो चीज हम आज दिखाएंगे आप लोग बिल्कुल बनाएंगे, फिर हमारी प्रोग्राम क्लोज होने से पहले 15 मिनट आप लोग सभी आपका आप अपना स्केच हमको दिखाएंगे, क्योंकि हमको पता चलेगा कि आप कितने सीखा, क्या सीखा, आपको क्या पूछना हो तो वही 15 मिनट के अंदर आप पूछ सकते। जी सर जी, ये देखिए पद्म फूल का एक पत्ता होता है ना, वो पत्ता भी बनाना पड़ता है, जब पानी का सीनरी हम बनाएंगे तो उसमें पत्ता बनाना। ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर आपको तो मैंने बताया था मछली का बढ़िया। आज फिर आप लोग इसको आराम से पहले पेंसिल से ड्रॉ करके बाद में उसका ऊपर आप लोग पेन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हर चीज बनाने के टाइम में, फूल हो या मछली हो, कोई तस्वीर हो, बनाने के टाइम में आप लोग मेरे को ध्यान से देखिए कि हम किसी से कहाँ से शुरू करते हैं, ये देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्केच गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि हम एक मछली बनाएंगे तो कहाँ से शुरू करते हैं, जैसे हम यहीं से शुरू करते, हमारी परंपरा में जो ये पेंटिंग में हमने जितना चीज बनाए तो बहुत होता है, बहुत होता है, जैसे आप देखिए एक फूल होता है, मछली होता है, हंस होता है, उसका साथ मयूर होता है, और ये चिड़िया का बाद आप जब जानवर देखेंगे हम क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं, और मुर्गा भी बोलते हैं, मुर्गा भी बनाते हैं, सभी चीज बनाते हैं, फिर
सभी का स्टाइल हमारे स्टाइल होना चाहिए, सभी का अलग होता है। आप जो पेंटिंग देखे आपका लाइफ में अलग अलग चीज में, लेकिन हमारी पामलिप एंगारविंग में इनका स्टाइल अलग होता है, इसीलिए हम आपको पूरे सभी चीज का आप देखिए। अभी हम जो बनाएंगे वो एक हंस, देखिए हंस बनाने से पहले आपको कहाँ से शुरू करना होगा ये ही देखना होगा, कहाँ से आप लोग शुरू करेंगे। तो आपको काम सही रहेगा, आप आराम से कर पाएंगे, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा जो काम करेंगे आप। जब एक हंस बनाएंगे तो आपका हंस सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ध्यान रखना होगा कहाँ से शुरू हो। आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो जानवर होता है, पक्षी होता है, हंस इस पर ये भी गहना पहनते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल होता है। हंस हो कोई भी हो, सिर्फ मछली और छोड़ के सभी चित्रावली में हम लोग ये ऑर्नामेंट देते हैं, क्योंकि हमारी पेंटिंग में ज्यादा ऑर्नामेंट यूज होता है, गहना यूज होता है, ये अच्छी दिखाई जाने से और ये परंपरा हमारी चलता रहता था। ये हमारी गुरुजी ने हमको ऐसे ही बताया, हमने उससे पहले भी जो बनाया था वो इसी टाइप में बनाया, तो हमारी पेंटिंग में बिल्कुल सभी टाइम में आपको गहना बनाना पड़ता है। ये हो गया हंस, सभी लोग इसको आराम से ड्रा कीजिए। हम अभी बाद में जिस टाइम हम इंगारविंग करेंगे तो इस टाइम हम एक साइड में रखेंगे, आप लोग इंगारविंग के साथ ये काम भी प्रैक्टिस कर सकते। आप देखिए अभी हमें एक मयूर बनाए, आप यही जो मुख होता है मयूर का इसमें देखिए, हंस का मुख देखिए,
इसमें क्या फर्क होता है, उनका क्या फर्क होता है? ये इनका जो चंचु होता है, चंचु बोलते हैं इसको, इनका डिफरेंट देखिए, हंस का देखिए, मयूर का। इसमें ध्यान रखना होगा कि आप लोग जब बनाएंगे पेंटिंग, जब बनाएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये मयूर है या हंस है, नहीं तो आपका काम अच्छा नहीं होगा। डिफरेंट यही है कि हंस में एक लाइन हम लेते हैं गला में, लेकिन मयूर में ऐसे बना। मयूर हो या हंस हो, दोनों का जो पक्षी होता है वो पक्षी का स्टाइल बिल्कुल सेम होता है, डिफरेंट नहीं, लेकिन डिफरेंट यही मुख में आता है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि हम थोड़ा जल्दीबाजी में काम करते हैं कि हमको टाइम कम है काम ज्यादा है, तो आप लोग तो 5 दिन का कार्यक्रम होता है ना, मैं आप लोग को सभी दिखाना पड़ेगा कि आप लोग व्हाट्सएप में बाद में याद करेंगे कि हम एक टेक का ट्रेडिशनल पेंटिंग सीखा, लेकिन इनका बेसिक हमने नहीं देख पाया कि नहीं सीख पाया, तो इसीलिए हम आपको बिल्कुल जो बेसिक होता है, बेसिक में जो जो जरूरत होता है हम ये मयूर होता है, आप ऐसे कीजिए, मयूर का जब पूंछ आता है आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया, हम तो किसी एरिया लेते हैं ना, इतने जगह में कितना पूछ, उसके बाद फिर ऐसे कर। जब आप कलर में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर आपको ऑरेंज वगैरह, ऑरेंज येलो ब्लू ये सब कलर लगाना पड़ेगा। जो हम अभी जैसे सिर्फ ब्लैक में बनाएंगे तो ऐसा ही दिखाया जाता है आपको। अब ये सीखने के बाद आप चाहिए तो इसको कलर में बना सकते, तो लेकिन इसका बेसिक सीखना चाहिए। आप ये भी ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ से शुरू करें, नहीं तो काम सही नहीं होगा। तो आप लोग कहाँ से शुरू करेंगे तो काम आपको अच्छा लगेगा।
ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ये हो गया, सीढ़िया वगैरह जो हमको जरूरत है पेंटिंग टाइम में, एक्सपेंड बनाने का टाइम में जो बिल्कुल जरूरत वाला चीज कोई दो तीन हो जाएगा तो आप पेंटिंग आराम से कर सकते। उसके बाद हम देखेंगे जानवर का। सर अगर आप ना कैमरा थोड़ा जूम कर लेते तो अच्छा रहता। अच्छा, और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना कैमरा ऑन कर लें। जूम कर चला। हम अभी आप लोग को जो होता है हरिन होता है, हरिन आपको मैंने बार बार बोला कि आप ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ से शुरू होता है। कभी भी चित्र बनाए आप लोग, पहला चीज ये होना चाहिए कि आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ से शुरू करेंगे तो फिर आपको काम सही लगेगा, नहीं तो अभी कैमरा सही हो गया आप कुछ जी सर, जाते हैं बिल्कुल क्या ठीक नहीं? है। जी
अब देखिए मैंने अभी जो बनाया ये हरिण बनाया, हरिण या मूर्ग एक ही होता है, हरिण का सींग नहीं है मूर्ग का सींग है, लेकिन दोनों का स्केच दोनों का स्टाइल दो एक जैसे लगता है देखने में। इसमें जब आप लोग सिंग कर रहे हैं ये पहले हरिण था अभी मुर्ग हो गया, और इसका बाद आप लोग जितना जानवर देखेंगे सभी का एक ही स्टाइल होता है, जैसे आप मुर्ग बनाएंगे उसी टाइप का गाय बना सकते, थोड़ा सा डिफरेंट होगा चेहरे में, लेकिन सभी बनाने का स्टाइल एक हो। नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि है हाँ ये मुर्ग है हाँ ये गाय।
आप इसी हिसाब से बनाएंगे तो आपको सही रहेगा। आप मैंने ये पहले से भी बोला था, अभी भी बोला हूँ कि आप लोग ध्यान रखिए कहाँ से शुरू करें, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, आप लोग ड्राइंग कर रही है देखिए और ध्यान से देखिए सही ढंग से। ये सब जो स्केच हमने आपको दिखाया स्कूल बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। ये ध्यान में रखना होगा, ये मतलब ये दूसरा फिर आएगा तो ये कहाँ से शुरू होता है, तो फिर आपको पता चलेगा और आपका पेंटिंग सही रहेगा, गलती नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। ये आप देखिए, ये जैसे मिट्टी का होता है, मिट्टी हम इसको जैसे मिट्टी आता है ये दिखाएंगे, इसमें
थोड़ा सा ये कर लीजिए। सभी पे जानवर का पैर के नीचे ऐसे कसेगा आपको, अब सभी लोग देखते हैं। यहाँ इस टाइप का हुआ, इसका ऊपर कुछ घास होता है। पेंटिंग को देखने में कितना अच्छा लगेगा, वो जो चीज इनका जो पार्ट होता है, इसको पार्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो पेंटिंग नहीं अच्छा लगेगा। ये सब इनका अर्नामेंट होता है, जैसे चलने वाला अर्नामेंट होता है, फिर ये भी ये जो चीज मिट्टी होता है, घास होता है, ये सब एक पेंटिंग का ऑर्नामेंट होता है। जैसे पेंटिंग आप अच्छा लगेगा, इसीलिए ये सब चीज करना पड़ता है। ये आप लोग देखिए, जिससे आप देखेंगे कि ये कलाकृति होता है, एक पेंटिंग होता है। आप सब लोग याद करिए कि हमारी जो कला होता है, हमारी मतलब ये सिर्फ पाम लीफ का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कलाकृति होता है। जो आप लोग को देखते हैं कला, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कला और संस्कृति बोलते हैं ना। आप ये ध्यान रखेंगे कि जब कला किसी को बोलते हैं, एक आदमी का अंतर्निहित जो गुणावली होता है, जो हम मन में सोचता है, उसको एक्सपोज करते हैं ना। आपको दिखाएंगे कि ये एक गाय है, ये एक मुर्ग है, ये एक मयूर है, कैसे हम बनाते हैं, तो पहले हमने सोचते हैं। तो पेंटिंग हमारी सबसे पुरानी होता है, कला संस्कृति जो होता है। कला हमको यही सिखाते हैं कि जिस टाइम आदमी लोग तो अपना अपना मन में जो सोचता है उसको एक्सप्रेशन करने के लिए वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट माध्यम लेते हैं, जिसे आप डांस कर सके, म्यूजिक कर सके, वोकल कर सके, आर्ट भी कर सके। आप लोग किसी भी किसी ढंग से आप लोग अपना मन का जो बात उसको एक्सपोज करेंगे, तो इसको हम लोग कला कहते हैं। और जैसे आदमी लोग का बहुत सारे पुरानी कहानी ये होता है, इसको संस्कृति कहा जाता है। जो हम आज पेंटिंग बनाएंगे, ये हमारी ओडिशा की सबसे पुरानी पेंटिंग होता है, जो ताड़ के पत्ते का। जिस टाइम आदमी के पास उनका घटनावली फूल लिखने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पेन, आज हमारे पास पेन है, पेपर है, जिसका जिस दिन आदमी के पास ये चीज नहीं था, उस दिन वो लोग
पत्ता और सुई यूज करते हैं, किसी टाइम का घटनावली जो होता है उसको लिखने के लिए। आप जैसे अभी अभी देखते हैं हमारी म्यूजियम वगैरह सभी में रखा हुआ है बहुत सारे पुरानी कहानी, रामायण हो, महाभारत हो, भागवत गीता हो, और कई सारे जितना पुराण वगैरह होता है हमारी हिंदुस्तान, सभी घटनावली को लिखते हैं, इससे ताड़ की पत्ते के ऊपर लिखा हुआ है। और पत्ते का लिखने का साथ भी इसी टाइम का जो लोग थे उन लोग भी कुछ चित्रावली बना हुआ है, जैसे एक कृष्णा जी का कहानी लिखेंगे उसका साथ थोड़ा सा लाइन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, इसमें खुदाई करते हैं, तो वो अलग अलग होता है। जैसे हमारी उड़ीसा का जो होता है वो आंध्र का नहीं होता है, आंध्र का जो होता है तमिलनाडु का नहीं होता है, फिर भी सभी का पास कुछ ये था कि सभी का पास परंपरा होता है, डिजाइन अलग होता है लेकिन परंपरा सभी का पास होता है, संस्कृति सभी का पास होता है, कला सभी का पास। हम लोग आज ये उड़ीसा की परंपरा देखते हैं, फिर आप लोग जाके मार्केट में देखेंगे तो अलग अलग स्टेट का परंपरा देख सकते हैं। आप लोग को पहला दिन मैंने बताया कि जो चित्रकला होता है वो दो टाइप का होता है, सभी लोग को इसको नोट कर लीजिए, ये आपका काम में आएगा। चित्रकला दो टाइप का होता है, एक तो आधुनिक चित्रकला होता है, दूसरा पारंपरिक चित्र। मेरे आपको कहना है आप जरूर इसको नोट कीजिए, कला का कला दो रकम होता है, दो डिफरेंट टाइप का होता है, एक आधुनिक होता है दूसरा पारंपरिक। हम लोग अभी जो संस्कृति बारे में बात किए, संस्कृति बारे में सोचता है, संस्कृति मतलब हमारी पारंपरिक होना चाहिए, जो पारंपरिक होता है ये हमारी संस्कृति। हम जो इस डिजाइन में हमें आपको दिखाए हंस, इसका डिजाइन होता है इसी डिजाइन में हंस होता है, तो उड़ीसा की जितना पेंटिंग होगा हंस का स्टाइल यही होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये उड़ीसा ताड़पत्ता खुदाई हो या पटचित्र हो, इनका ये स्टाइल उड़ीसा की स्टाइल है, ये उड़ीसा की पारंपरिक स्टाइल है। तो हम लोग जो सब पेंटिंग कर रहे हैं उड़ीसा हो अदर स्टेट कोई हो, तो आप लोग चाहिए इसको लोड भी कर सके कि हमारी उड़ीसा की पारंपरिक कला जो होता है इसको एक नंबर वन होता है पटचित्र, दूसरा होता है ताड़पत्र खुदाई, दो ही होता है। आप जाइए वेस्ट बंगाल कोलकाता जाइए, उनका भी एक पारंपरिक कला होता है, आप चाहिए तो इसको नोट कर सके, उनका नाम होता है कालीघाट पट, हमारी पटचित्र होता है वेस्ट बंगाल का होता है कालीघाट पट। आप बिहार जाइए, उनका भी एक ट्रेडिशनल पेंटिंग होता है जिसका नाम है मधुबन। आप महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र का एक पारंपरिक चित्रकला होता है जिसका नाम है वारली, वारली पेंटिंग किया जाता है, इसका महाराष्ट्र का जो ट्रेडिशनल पेंटिंग होता है वारली। तो इसी हिसाब से आप आंध्र प्रदेश का कलमकारी होता है, तमिलनाडु का तंजावुर होता है, मध्य प्रदेश का भित्ति चित्र होता है, हर स्टेट का अलग अलग। तो हम लोग आज जितना ही बेसिक नॉलेज हमारी ताड़पत्र खुदाई के बारे में हमने आपको दिखाया, और जो बाकी है घोड़ा है हाथी है और एक फिगर बनाने का जो आपको पहला दिन हमने दिखाया था, वो जो कंपेरिजन कैसे बनाएंगे आप लोग, और उसका साथ हम आपको कल थोड़ा बड़ी पार्ट मतलब फेस हो हाथ हो पैर हो ये सब बारे में आप कल चर्चा करेंगे। आज थोड़ा हम अभी एनगार्विंग करेंगे जो आप देख सके, और बीच बीच में हम आपको दिखाएंगे हमारी पास जो रखा हुआ है हमारी जो अच्छा अच्छा पेंटिंग होता है ताड़ के पत्ते के ऊपर, हम आपको दिखाएंगे।
अभी हम लोग एक पेंटिंग का इनकर्विंग करेंगे, कल जैसे किए थे। अभी आप लोग का काम है, आप इसको ध्यान से देखिए और स्केच कीजिए, जिसको जो जरूरत पड़ेगा तो ये जो ये आप लोग सही है ना, आपको आराम से दिखाया जाता है। देखिए उसको आप लोग आप हाँ अपना अपना हिसाब से इसको ड्रॉ कीजिए। मैं अभी ताड़ के पत्ते के ऊपर जो पेंटिंग हम करेंगे, कल एक किए थे सिर्फ कृष्णा जी का, तो आज हम एक नया पत्ता लाया थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि हमको आखिरी दिन जो प्रोग्राम होगा हम लोग इसको दिखाएंगे कि हम एक पेंटिंग बनाएंगे व्हाट्सएप में, इसमें हम इसीलिए स्केच पहले कर लिया। राधा कृष्ण बनाएंगे, राधा कृष्ण का साथ आपको हम लोग दिखाएंगे। राधा कृष्ण जो इसका ऊपर खड़े हुए है, एक कांड होता है, इसका नीचे थोड़ा पानी होगा, पानी का बीच में आपको पद्म फूल आएगा, पत्ता आएगा, हंस आएगा, और कृष्णा जी का पीछे एक पेड़ होता है, इसमें एक चिड़िया बैठे हुए हैं, ये सब आप करके आपको दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जो इनकर्विंग करने का टाइम हमको थोड़ा सा प्रेस करना होता है, क्योंकि ये पत्ता होता है, जैसे हम ये इनकर्विंग करेंगे तो इसको हल्के से नहीं कर पाओगे आप, कलर या पेपर में जो पेंटिंग कर रहे हैं इसको थोड़ा हल्का से बना हुआ है, लेकिन लिप के ऊपर जो बनेगा इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, इसीलिए हम दो हाथ इससे पकड़ते हैं। आपको देखने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बाद में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। आप लोग काम कीजिए, अपना अपना काम कीजिए और ध्यान रखिए। मैं अभी ये पेंटिंग को एनकर्विंग कर आप लोग को दिखाया जाता है जो हमने अभी इनकर्विंग किया।
कृष्णा जी का ऑर्नामेंट दिखता है आप लोग को, देखिए, क्योंकि ये पेंसिल जो लाइन होता है उससे थोड़ा हल्का हो जाता है, जिस टाइम में हम लोग उसको एनकैरविंग करते, पहले डीप था लाइन का ये पेंसिल स्केच का टाइम, अभी जब एनकैरविंग हो गया ये थोड़ा सा हल्का हो गया, तो इसीलिए देखने में तकलीफ आता है। इसको बनाने का बनाना भी इतना डिफिकल्ट वर्क होता है, इसमें कोई रिवाइज नहीं हो पाएगा, कोई कहाँ से खराब हो जाएगा तो उसको पत्ता निकालना पड़ेगा, एक पत्ता निकालना, तो बिल्कुल इसमें काम करने का टाइम ध्यान रखना होगा। आप लिखकर नहीं यूज करने का टाइम है, अपना अपना हिसाब से इसको यूज कर सके, क्योंकि यह हल्का सा चीज नहीं है, ब्रश होगा तो आपका हल्का होगा, लेकिन ये जब लिखनी होगा एनकैरविंग होगा, इसको आप लोग अपना अपना हिसाब से घुमा के बना सके। एक इसलिए हम एक टूल लिए और उसका ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लाइट भी चाहिए बनाने के लिए, में जो डीप लाइट होगा, क्योंकि ये नीडल तो एक ही पॉइंट होता है ना, आपको जिसी जगह थोड़ा सा मोटाई करना चाहिए, थोड़ा सा डीप करना चाहिए, उस जगह को ऐसे कार्व कर दीजिए, खुदाई कर दीजिए, तो आपको सही रहेगा डीप और लाइट, नहीं तो पूरा जगह आपको सेम हो जाएगा।
अब ये जो नीडिल है ना, इसको आप चाहिए तो शार्प करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगा काम करने का बीच में तो आप ऐसे जो सैंड स्टोन होता है इसमें थोड़ा सा इसको शार्प कर सकते, हर रोज आप काम करने का टाइम में आपका पास सैंडस्टोन भी रखना होगा। अभी आप लोग देख पाओगे में ये जो पेंसिल स्केच था वो थोड़ा डिप लगा हुआ है, अभी थोड़ा सा आपको आइडिया है क्या कि ये हो गया फेस। अभी हम 10 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, सभी बच्चे को मेरा
मेरी की ओर से ये अनुरोध है कि आप 10 मिनट का एक ब्रेक ले सके और आप अपना फ्रेश हो जाइए और जो काम कर रहे हैं इसको बाद में करेंगे। तो हम 10 मिनट, अभी 10 बज गया, हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? जी सर, बिल्कुल। सिंपल 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 जी सर, नहीं, हम इधर बच्चे को बोल रहे हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में अपन लिख सकते हैं। म्यूट करना ही कॉपी होल एंड बेस्ट अच्छा तो करना हमें अब मैं आप सभी को ताड़ के पत्तों की पेंटिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। जब तक कि गुरुजी आते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ताड़ के पत्ते की पेंटिंग दुनिया के सबसे प्राचीन शिल्प में से एक है। ताड़ के पत्ते पर नक्काशी और पेंटिंग अभी भी ओडिशा राज्य में ताड़ पत्र चित्र कहलाती है। इस ताड़ के पत्ते के चित्र को दो प्रकार के रूप में जाना जाता है, जो है पहला ताड़ के पत्ते पे शुद्ध रेखा में चित्र और दूसरा रंग भरने के साथ उत्कीर्णन। ताड़ के पत्ते की पेंटिंग की प्रक्रिया में ताड़ के पत्ते सख्त होते हैं और फिर उसे एक कैनवस बनने के बाद एक साथ सिल दिया जाता है। ताल पत्र चित्र पे भी अधिकांश चित्रों में यह कला रूप पुरानी कथाओं और हिंदू देवताओं से अत्यधिक प्रभावित है। इस कला की प्रक्रिया ताड़ के पत्ते की कच्ची पत्तियों को काटकर आधा सुखाने से की जाती है, फिर उन्हें मसाले के लिए 4 से 5 दिनों के लिए दलदल में दबा दिया जाता है और छाया में सुखाया जाता है। फिर एक कलम या किसी नुकीली चीज का उपयोग करके चित्रों की पत्तियों पर उकेरी की जाती है। स्याही या वैकल्पिक रूप से जले हुए नारियल के गोले, हल्दी और तेल से प्राप्त चारकोल का मिश्रण फिर रेखाओं के साथ डाला जाता है, जो रेखाओं को अलग और अच्छी तरह से परिभाषित करता है। इस कला में रंगों का कठोर उपयोग किया जाता है, जो कुछ भी भराव के रूप में और बहुत ही मंद स्वर में उपयोग किया जाता है। पेंटिंग के लिए सब्जी और खनिज रंगों का उपयोग किया जाता है। रंगने के बाद पत्तियों के पैनलों को मोड़ा जा सकता है और अंदर की सुंदर पेंटिंग को प्रकट करने के लिए उसे खोल दिया जाता है। फिर इन्हें आवश्यकता के अनुसार एक साथ सिला या तार दिया जाता है और कई बार नक्काशी पूरी होने के बाद उन्हें सिल दिया जाता है। तो यह पूरी प्रक्रिया थी ताड़ के पत्तों की पेंटिंग की। अगर आप सभी में को किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
if anyone of you can want to wish to show their artwork, they can turn on their cameras and show it to us. I request the tech team to make him or her in the spotlight. हेलो हेलो ईशा जी जी सर, हमारे आर्टिस्ट अब हमसे जुड़ चुके हैं, अब आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं सर। मैं सभी लोग को एक पेंटिंग दिखाऊं, अभी आप पूरा ध्यान से देखिए कि ताड़ के पत्ते के ऊपर कितना बड़ा पेंटिंग बन सके। Everyone is kindly requested to turn on their cameras. हम सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपना कैमरा ऑन कर लें। रेडी? जी सर। सभी लोग देखिए, ये जो पत्ता होता है सबसे बड़ा पत्ता होता है, एक ही पत्ता होता है 24 इंच वाला, 26 इंच में ये काम बना हुआ है। देखो ये लंबाई, ये पेंटिंग का लंबाई 10 फुट होता है, तो हम आपको ऐसे करके दिखाएंगे, फोल्ड कर करके। एक देखिए, और इसमें जो कलर आता है ये बारे में आपको हम लास्ट में बता देंगे इसे कलर आता है, लेकिन ये इंकार्विंग हुआ है। ये पूरे कृष्ण के जन्म से लेकर कंस निधन तक स्टोरी बना हुआ है, कृष्ण जी का कहानी बना हुआ है। अब तो टाइम थोड़ा कम है, हम आपको सब दिखा नहीं सकते कि बोल नहीं पाओगे कि स्टोरी के बारे में। अब देखिए,
ये लाइन देखिए, ये देखिए मछली में बड़र बना हुआ, और ये जो बड़र बना हुआ है सभी बड़र में एक एक पक्षी का तस्वीर आते हैं, और ये आपका सुआ का एक प्रतिष्ठा। और आप लोग ये जो देखते हैं अभी, ये जो एक एलिफेंट मतलब हाथी बना हुआ है, देखिए इसको हम लोग कंदर पर हाथी बोलते हैं। ये हमारी उड़ीसा की ट्रेडिशनल पेंटिंग है, शिल्पी लोग का भावना से बने हुए, पूरे लड़कियों को जोड़ जोड़ के, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इसमें ग्यारह ग्यारह लड़की लोग को मिला के एक हाथी का तस्वीर बनाया। इसको हम लोग कंदर पर हाथी बोलते हैं। आगे चलिए, ये देखिए पेंटिंग बीच में एक बड़ा आता है, इसमें हंस का डिजाइन बना, इसीलिए ये आगे भी दिखा देना यार कुछ हंस का जरूरत होता है, इसीलिए हमने आपको दिखाया हंस बनाना जरूर। ये देखिए राधा कृष्ण की डिफरेंट पोजेस होता है, हम तो आप लोग को काले कृष्णा जी का फिगर बताया, आज फिर एक राधा कृष्ण का बताएंगे, लेकिन देखिए कितना डिफरेंट पोज आता है, क्लोज कर डिफरेंट पोज राधा कृष्ण। इसमें दोनों साइड में स्टोरी चलता है, कृष्णा के जन्म से लेकर जो स्टोरी होता है कहानी होता है वो चलता है, फिर बीच बीच में यही होता है जो कृष्णा राधा की डिफरेंट पोज आता है। और ये जो आता है आप लोग देखिए, ये होगा षढ़ ऋतु, हम षढ़ ऋतु का एक तस्वीर बनाया, जैसे ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत वसंत करके छह ऋतु आता है, उसका तस्वीर हमने बनाया। ग्रीष्म होता है, बारिश आता है, ये देखिए बारिश का मौसम में, इसमें देखिए हरिण देखिए मयूर देखिए, तो काम बनाने का टाइम ये सब जरूरत पड़ता है, एक सीनरी बनाने के टाइम आपको ये सब। इसमें बरसात शरत आते है, देखिए ये ध्यान रखिए इस साइड में ये चलता है स्टोरी, यहाँ से चलता है, यहाँ से खत्म होने का लाइन चलता है, और बीच में सभी साइड में डिफरेंट पोज आते हैं। थोड़ा थोड़ा आराम कर, ये रहा ये देखिए एक बड़र आता है इसमें, जिसमें हाथियों को लेकर एक बड़र होता है, ये भगवान विष्णु का दस अवतार है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, काम, बलराम, बोध, कल्कि, ये इतना छोटा है आप देख सके कि नाप लीजिए, ये टोटल फिगर आपका 3 cm मतलब 1.25 inch का, और 1 inch से कम जगह में बना हुआ है। अभी ये आ गया सेंटर, सेंटर में हम लोग बनाए एक मंदिर बना हुआ है, आपको मालूम है जो परिकन्या होता है, हम ये आर्टिस्ट लोग का कल्पना होता है परिकन्या, ये सब परिकन्या होता है।
जब मंदिर होगा, मंदिर का ऊपर में आप देखिए ये जो नवग्रह होता है, रवि, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु करके जो नवग्रह होता है वो होता है, वो आते हैं, राहु आते हैं, मगर मगरमुंड जो मंदिर का साइड में रहता है वो मगरमुंड जिसको बोलते हैं, ये भगवान विष्णु का ये गरुड़ आता है, इसमें देखा जाए इसी साइड में आपको हनुमान का प्रबल होता है, गरुड़ हो गए हनुमान, ये देखिए बीच में बहुत बड़ा पेंटिंग होता है जो देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बीच में राधा और कृष्ण का रासला होता है, कृष्णा जी, दो गोपी लोग, ये देख पाएंगे आप लोग, देखते हैं नीचे देखिए एक राधा कृष्ण की रासला का नीचे गाय होता है, गाय का नीचे थोड़ा सा पानी का फिगर आता है, पानी का बीच में हंस होता है, फूल होता है, पेड़ होता है, पद्म का जो होता है, और ये जो मंदिर का वो किस बोलते हैं इसको, पिलर बोलते हैं, इसमें गज सिंह विराड़ होता है, आपको मालूम है हर मंदिर में ये आता है, जैसे हाथी का ऊपर एक सिंह का तस्वीर था, इसको गज सिंह विराड़ बोलते हैं, ये पूरे ट्रेडिशनल होता है, इससे सब ये जो चीज होता है पूरे पुराने की कहानी होता है, और हमारी जो पेंटिंग होता है ये सब पुराण की चीज को लेके बनते हैं। मंदिर का सबसे नीचे ये एक गंधर्व होता है जिसने मंदिर को अपना अपना हाथ से पकड़ के उसको गंधर्व किया जाता है। ये देखिए मंदिर खत्म हो चुका है, ये आ गया कृष्णा जी का एक होली का पेंट, होली जो हो रहा है कृष्णा जी और गोपियों में होली खेल, और इसका नीचे फिर एक हाथी का बड़ा राज, हाथी बड़र के बाद फिर राधा कृष्ण की पोज आ जाए, ये सेंटर हो गया, सेंटर का बाद नीचे वाला पेंटिंग का नीचे वाला जो आपको शरद उतने पहले मैंने बताया था तीन ऋतु का, उसका बाद शरद का बाद हेमंत बसंत शीत, हेमंत शीत और बसंत तीन ऋतु का, एक दो तीन करके रिमोट पूर्वा लोग देखिए, पेंटिंग का अंतिम भाग थोड़ा आ गया, ये पेंटिंग का अंतिम भाग में सबसे नीचे जो होता है, नीचे से पहले बीच में ये आप ऊपर देखिए पूरे गोपियों को मिला मिला के एक जो बना हुआ है हाथी, इसको कंदर हाथी बोलते हैं उनको, अभी वो जो देखिए ये चैरियट होता है ना रथ जैसे, रथ में तो इसको कंदर पर रथ किया जाता है, चार चक्कर होता है इसमें जोड़ा हुआ है, बीच में कृष्णा जी बैठे होंगे बिल्कुल, ये दो खंबा होता है लड़की और लड़की, पेंटिंग का अंतिम भाग देखिए,
नीचे जो आता है डिफरेंट लेडी होते हैं और ये सब म्यूजिक स्टाफ होते हैं हमारे। आप लोग देखिए सब हर जगह में देखते हैं जो मंदिर का मंदिर में डिफरेंट डिफरेंट लेडीज का म्यूजिक वो जाता है, ये नीचे रखा हुआ है। ठीक है, आपको बताएंगे ये जो पेंटिंग में कलर कैसा है। आप देखिए ये जो इनगार्बिंग हुआ है दो पत्ता होता है, ये पहले इसको हम लोग इनगार्बिंग करने के बाद ब्लॉक डालते हैं। ब्लॉक डालने का बाद हमारी जो डिजाइन बनते हैं वो डिजाइन की छोड़ के दूसरा जो जगह बचा हुआ है इसको हम हमारे पास जो ये कट्टर है इसमें हम लोग इसको काट के उखाड़ देते हैं। तो इसी हिसाब से ये देखिए दो पत्ता होता है डिजाइन जो होता है दो पत्ते का अंदर, नीचे वाला पत्ता जो होता है इसमें हम लोग ब्लू वाला कपड़ा पेस्ट की कॉटन क्लॉथ जो होता है उसको पेस्ट की, उसके बाद फिर इसको रखा हुआ। अभी आपको दिखाई जाता है लेकिन कलर उस अंदर कहीं नहीं होगा, पीछे आएगा तो आपको ब्लू कलर दिखाई जाता है तो फर्क आ जाएगा, वो आपका पेंटिंग में चमक आ जाए। इसी हिसाब से यहाँ से जो ग्रीन लगा हुआ है, यहाँ से रेड लगा हुआ है, इसी हिसाब से पेंटिंग में लगा। ये बहुत पुरानी पेंटिंग होता है, लगभग 15 साल से पहले वो बना हुआ है। और इसमें भी मेरे को हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट का जो स्टेट अवार्ड दिया हुआ है। ये पेंटिंग का चौड़ाई आता है 2 फुट और थोड़ा लंबा इसका 10 फुट का है। ठीक है, आपको पेंटिंग बारे में कुछ आइडिया मिल गया। उसका बाद फिर हम अभी हमारे पास जो काम बाकी है उसको करेंगे। आप लोग अब सभी लोग बिल्कुल तैयार होके आप अपना जो स्केच हमने आप दिया था आज उसको करिए, नहीं तो हम अभी आपको और एक नया स्केच बना के दिखा देंगे बाद में, बाद में इंटरव्यू। हम अभी एक डिफरेंट म्यूजिक वाला लेडी का स्केच करेंगे क्योंकि दिन तो 5 दिन का प्रोग्राम है, ज्यादा टाइम तो नहीं है। इसका अंदर हम आपको सभी हर चीज दिखाना पड़ेगा तो आप अपना अपना हिसाब से इसको जैसे रिसीव कर सके। हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि आप लोग जरूर सीखेंगे, ध्यान रखेंगे और इसको अच्छी तरह से काम करें। हम एक म्यूजिक वाला लेडी का स्केच करेंगे, देखिए। तो हमने आपको पहले बताया वो जो लाइन हमने स्ट्रिप लाइन टनते हैं ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैंने जिस टाइम काम करते हैं इस टाइम में मैंने इसके लाइन नहीं लेते, लाइन अभी लेते हैं आपके लिए। आप लोग लाइन लेंगे तो आपको काम अच्छा रहेगा, करने का सही रहेगा, फिगर सही रहेगा, ढंग सही रहेगा, उसको इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए जब एक फिगर आप डालेंगे तो इसको ये लाइन में थोड़ा सा राइट साइड करके करें क्योंकि ये म्यूजिक वाला लेडी होंगे ना, इसीलिए आप लोग राइट इधर करके
आप लोग तो जरूर इस केस को जरूर करेंगे, मेरे ख्याल से आप लोग कभी काम करते रहिए। अभी हम लोग देखिए, मैंने पहले से बताया आपको, पेंटिंग करने से पहले, स्केच करने से पहले पहले आप लोग कहाँ से ध्यान रखना होगा, कहाँ से शुरू करें। स्केच का टाइम वो था अभी, यहाँ से शुरू कीजिए। बिंदी लगाओ, ये रहा मरदल। आपको मालूम होगा कि मरदल बजाते हैं, आप मंदिर में देखते हैं कभी धर्मानुष्ठान में, ये जो डिफरेंट लेडी लोग का फोटो आते हैं आप लोग देखते हैं। हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, हमारी ट्रेडिशनल परंपरा में हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं। आपको पता चलता है कि ये मरदल है।
ये एक डिजाइन होगा मर्दों का, ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ है। ये सब जो होता है ये आर्टिस्ट लोग का मन में सोचना होता है कि कैसे चीज अच्छा दिखाई जाता है, इसलिए वो बनता है। तो कहीं इसमें भी ध्यान रखना होगा कि कैसे हम लोग हमारी चित्र को सजा सके, वो अच्छा दिखाई जाएगी कि हमारी सामने वाला जो आदमी होता है वो बोलेगी कि हाँ ये चीज जो बना हुआ है ये अच्छा है। सबसे पहले हम लोग काम करने का टाइम ये ध्यान रखना होगा कि हमारी सामने आदमी जो होता है वो कैसे बोलेंगे कि हाँ जी आपका जो बना हुआ है ये चीज अच्छा है। इसको हम लोग ध्यान में रख के हर चीज बनाते। Everyone is kindly requested to turn on their cameras. सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना कैमरास ऑन रखें। जी सर, जी बोलिए। नहीं कुछ नहीं सर।
देखिए हमारी जो पेंटिंग होता है, ये पेंटिंग की खासियत ये है कि कई फिगर में जो कपड़ा पहने हुए है, कहीं कपड़ा प्लेन नहीं होगा, सबका ऊपर डिजाइन होता है। मैंने आपको नहीं देखा है क्योंकि टाइम वजह से नहीं देख पाएंगे, तो सभी कपड़े का ऊपर कुछ ना कुछ डिजाइन होना चाहिए, कुछ प्लेन नहीं होगा। ये जैसे होगा उसका ऊपर कुछ भी हो, सब अलग अलग डिजाइन में आप लोग बना सके। कोई कपड़ा आप पहनना वाला कपड़ा कोई प्लेन नहीं रहे, सबका ऊपर काम है। इसमें भी ये स्ट्रिप का बाद भी इसमें बहुत सारे डिजाइन हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं हो पाया। मैंने जो काम किया ताड़ की पत्ते के ऊपर उसमें करेंगे, आप लोग उसको देख लेंगे, देख सके। अभी इसको थोड़ा सा ऐसा स्ट्रिप प्लेन वाला लाइन डाल के, ये भी एक डिजाइन होता है, थोड़ा फिगर छोटा होता है तो इसमें प्लेन भी हो सकता है। लेकिन हम जो काम ये व्हाट्सएप लिए बनाए, आज हम आपको आखिरी दिन इसको दिखाएंगे, पूरा बिल्कुल डिजाइन वगैरह हो। मैंने आज आपको जितना डिजाइन दिखाया, मैंने ये कोशिश करूंगी सभी लोग ये पूरे के पूरे जितना स्केच आज का हुआ, आप लोग निश्चिंत अपना अपना पेपर में और खाता में ड्रॉइंग शीट में जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, अभी आप लोग इसको देख के बनाएंगे और हम लोग इधर लीप का ऊपर जो काम है।
ये अभी आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है शायद, ये फिगर देखिए आप स्केच कीजिए, मैं खुद ही कर, मैं अभी राधा जी का केस बना हुआ बनाते हैं, तो चाहिए इसको देख सकते हैं सभी लोग, अपना स्केच कीजिए फिर उसका साथ जब आपको जितना ही दिखाई सकते ना, ये जो इनकरिंग मैंने किए तो आप लोग देखें।
आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि ये राधा जी का फेस शायद बन गया।
कैमरा पूरा कॉपी हो गया सर, आपका कैमरा नहीं दिख रहा है कि आप क्या बना रहे हैं। सर आपका कैमरा नहीं दिख रहा है कि आप क्या बना रहे हैं। शायद से आपका डिस्कनेक्ट हो गया सर, दूसरा फोन।
सर सर आपका कैमरा डिसकनेक्ट हो गया शायद में भी। लगता है गुरुजी की तरफ से कुछ नेटवर्क ग्लिच आ गए। तब तक आप सभी को जिस कोई भी प्रश्न पूछना है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लास्ट में 10 मिनट के समय में वो क्वेश्चन सर से पूछ लेंगे। एवरीवन इज काइंडली रिक्वेस्टेड टू राइट द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन आस्क इन द लास्ट 10 मिनट्स। सर हमारे साथ वापस आ गए हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। हेलो जी, जी जी सर। हाँ अभी थोड़ा कैमरा वाला जो मोबाइल है उसमें थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। जी सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। मेरा आवाज जी सर। आई थिंक आपकी तरफ से कुछ नेटवर्क इश्यू है सर। हेलो सर आपको हमारी आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था इसलिए हम ठीक है। हम 11 बजे जो ब्रेक लेते हैं, अभी ये ब्रेक नहीं लेंगे तो हमको और 10 मिनट इसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? जी सर। हेलो। हाँ, हम लोग और ये नहीं लेंगे, ब्रेक नहीं लेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम हुआ। अच्छा सर, आपकी साउंड नहीं आ रही है। अरे हेलो। जी सर। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। जिसको कोई भी प्रश्न पूछना हो वो अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना प्रश्न। हम सर के आने के बाद जब आखिरी के 10 मिनट बचेंगे उसमें हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सर से पूछेंगे। तब तक के लिए आप सभी को, आप में से किसी को भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो अभी तक का, वो शेयर कर सकते हैं।
हमारे गुरु जी अब हमसे फिर से जुड़ चुके हैं और वे इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। सर आपका माइक म्यूट पर है शायद। सर अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। हेलो जी सर आ रही है आवाज। अच्छा जी ठीक है। हमारे जो बच्चे लोग होता है सभी लोग को मैं फिर दोबारा बताती हूँ कि आप लोग आप अपना ध्यान से ये वाला स्केच कीजिए तो आखिरी 15 दिन से आप लोग दिखाएंगे आपका आपका पेपर में क्या बनाए। अभी हम इसको इंटरव्यू कर रहे हैं राधा कृष्ण जी का फिगर को आप चाहिए इसको भी देख सके। इसको जो पूछना है जो चाहिए वो हमको लास्ट प्रोग्राम एंड होने से पहले 15 मिनट में बोल पाएंगे।
सभी लोग देखते हुए शायद मैंने जो बनाया आप लोग देखते हैं। और जो आपने आज स्केच बनाया उसको सभी लोग अपना अपना पेपर में बनाइए। और लास्ट टाइम को आप लोग, आज मैंने बहुत सारे पेपर देखना चाहिए क्योंकि हर दो दिन से हम सिर्फ दो तीन आदमी का देखे बच्चे लोग का, और किसने क्या क्या काम किया हमने नहीं देखा है। तो मैं आज आप सभी लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आप लोग जितने इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सभी लोग आप अपना स्केच पेपर वगैरह दिखाने के लिए कोशिश करें। और जो जिसको जो पूछना है क्या आर्ट बारी में पूछना है, रॉ मेटेरियल बारी में पूछना है तो पूछ।
मेरे ख्याल से आप लोग अब सभी लोग को इसको हाइट देख सकते जो इंटरव्यू हुआ है।
हेलो जी सर जी सर, अभी अभी बच्चे लोग को बुलाइए कि इनका काम दिखाएंगे और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वो अपना काम जो भी उन्होंने अभी तक किया है वो सर को दिखाएं। सभी अपना कैमरा ऑन कर लें और अपनी आर्ट वर्क जो भी उन्होंने अभी तक बनाया है वो सर को दिखाएं। दिखाए किसको कुछ बोलना है तो बोल सके, कोई दिक्कत। सर हमारे प्रतिभागी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ बोलिए सर। पहले प्रश्न में सभी प्रतिभागी आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप एक बार स्टिच करने की प्रक्रिया को फिर से बता सकते हैं, ताड़ के पत्तों को सीलने की प्रक्रिया को एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, ताड़ पत्ते सिलाई कैसे होंगे और स्केच करने का जो प्रक्रिया होता है हमने आपको पहला दिन में बताया था, ये देखिए ये हमारी फिगर स्केच करने का तरीका होता है। आप इससे पहले एक लाइन लीजिए, सीधा लाइन ले लीजिए, इसको 7 राउंड कर सके आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, तो 7.5 जो होता है ये एक आधा होता है और इसमें 7.5 होता है आपका सील और जो गला आता है एक भाग में अंदर आता आना चाहिए। देखिए एक भाग का अंदर सिर और गला वो आना चाहिए, उसका बाद वो जो फूल वगैरह आप बनाएंगे वो अलग चीज अलग हिसाब से आएंगे। और इसमें आप 2 3 4 जो 4 में 50 लाइन में आधा जो होता है इसमें एक लाइन लीजिए, वो आपका कमर आएगा उसमें, वो जो कमर होता है इसमें आता है, इसमें ये आता है, उसका हिसाब से आपको हाथ बनाना चाहिए, इसका हाथ कमर का साइज में आना होगा। एक भाग दो भाग में हाथ बना हुआ है आप इससे बनाएंगे तो आपको सही रहेगा। ये देखिए और जो कमर से पैदल में जो होता है ये बिल्कुल 1 2 3 और ये हाफ हाफ 4 भाग होता है, तो मान लो आपको सिर से कमर तक 3.5 भाग में आता है और उससे लंबाई आता है 3। ये हमारी स्टाइल होता है, हमारी उड़ीसा की तो पारंपरिक स्टाइल होता है, इसमें थोड़ा पैर वगैरह लंबाई होता है, छाती वगैरह चौड़ाई होता है और हाथ और पैर में जो अंगुली आता है वो सब लाली तो होना चाहिए क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। ये आपको आधुनिक चित्रकला में आप लोग देखिए बहुत सारे पेंटिंग आते हैं, आदमी लोग का जिसी टाइप का अंगुली होता है उस टाइप का बनता है, लेकिन ये हमारी ट्रेडिशनल में हमारी परंपरा में ऐसा नहीं, सभी का अंगुली ऐसे नाखून जैसे होता है और हमको अच्छा दिखाई जाने के लिए वो होता है, हम लोग इसको हमारी ट्रेडिशनल हिसाब से बना। हो गया, आपको कोई कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि हम ताड़ के पत्तों को सुखा कैसे सकते हैं, उसके सुखाने की प्रक्रिया क्या है? आप धूप में सुखा सके, रात को घर में ले आए ना और दिन में दोपहर में आप
धूप में उसको सुखाएंगे। अब तो आपका पास जब मिलेंगे वो आप पेड़ से इसको निकाल के धूप में सुखा सकते, नहीं तो किसी लोग इसको जो काम करते रहते हैं, आप जैसे हाथ का पंखा होता है और जो घर सजाना वाला चीज पाम लिप्त बनते हैं, वो लोग को हम लोग इधर उड़ीसा में हम चमार बोलते हैं, उनका पास प्रिपेयर वाला पत्ता मिलता है, उनसे कलेक्ट करना पड़ता है। वो लोग पत्ता को सही ढंग से पेड़ से निकाल के सुखा के प्रोसेस करके आपको देंगे, तो उनसे ला के आप लोग अपना अपना हिसाब से, जब आप लोग छोटा सा पेंटिंग करेंगे तो आपको 4 इंच वाला 5 इंच वाला पेंटिंग चाहिए तो आप इस हिसाब से पत्ते को काट सके, आपको 8 इंच वाला चाहिए उसे थोड़ा लंबाई करके 9 इंच करके पहले पत्ता काट सकते, नहीं हम आज जो पेंटिंग आपको बनाया ये 10 इंच चौड़ा आता है उसी हिसाब से जो पत्ता लेंगे, आपको 1 इंच तक ज्यादा वाला पत्ता लेना चाहिए पहले। हेलो सर, हमारी प्रतिभागी आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही है सर। सर से जो हेलो, ये जो हाथ का जो मुद्रा होता है, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी हो गया जी, अब आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए सर। हमारे प्रतिभागी आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं कि ताड़ के पत्तों पर हम डिजाइन को ट्रेस कर सकते हैं, ताड़ के पत्तों पर हम कोई चित्र को उस पे ट्रेस कर सकते हैं सर? हाँ, ट्रेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेस हो जाएगा। आप कार्बन लेके ट्रेस करेंगे तो ट्रेस हो जाएगा। वो जो पत्ता है ना, पत्ते के ऊपर आप देख लीजिए, जब निशान पेंसिल का निशान आते हैं थोड़ा हल्का सा आएगा, तो आप ट्रेस करेंगे तो ट्रेस हो जाएगी। ट्रेस भी मेरा पास है। अभी ये देखिए, ये ट्रेस पेपर होता है ना सर, जैसे आप पत्ते के ऊपर। जी, जय श्री कृष्णा, बोलिए। जय श्री कृष्णा सर, मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सर मैं आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। आई एम अ टीचर, बट आपसे सीख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी आर्ट सर, आई रियली सैल्यूट यू। एंड सर, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। सर एक बात पूछनी थी कि ये जो ताड़ के पत्ते हैं, क्या हमें अवेलेबल हो सकते हैं? मैं पंजाब लुधियाना से हूँ सर। पंजाब में आपका जो पत्ता होगा, नहीं तो आप चाहेंगे तो हम आपको भेज सकते हैं। यस सर, हमें चाहूंगी कि मैं इसको ट्राई करके देखूं थोड़ा छोटा सा एक बना के। अच्छा जी, ये दिखा सको। अच्छा जी, अभी अभी ये हमारी 5 दिन का कार्यक्रम खत्म होने का बाद आप मेरा नंबर से व्हाट्सएप करके आप बताए बोलेंगे तो हाँ, मैं आपको अपना एड्रेस में भेज सके पत्ते। और पत्ता हमको याद है कि पंजाब में मिलता है शायद। अब पंजाब में ताड़ की पेड़ है ना, ताड़ जो नारियल वाला पेड़ होता है, इसी टाइप का पेड़ होता है, ताड़ के बड़ा बड़ा होता है सर। एक्चुअली मैं पाम की लीव्स उस दिन भी तोड़ के लाई, पर एक भी लीव्स सही नहीं निकली, तो आपने जो धागे से जोड़ने की प्रोसेस थी ना, वो रह गई देखनी सर। धागे से हम कैसे जोड़ते हैं, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? हाँ, अभी मैं आपको वो ट्रेस बारे में बताएंगे, उसका बाद बता देंगे। देखिए वो ट्रेस पेपर होता है ना, ठीक है सर, ब्लैक ट्रेस। हाँ, आप सर, हाँ, एक, कोई भी एक, डिजाइन एक आप ले लीजिए। बनाना है तो हम कैसे कर सकते हैं? कलरफुल बनाना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, कलरफुल तो इसे ट्रेडिशनल में है। हाँ, ट्रेस हो जाएगा। आप देख लीजिए ट्रेस हो रहा है, जैसे निशान पेंसिल में आता है उससे ज्यादा ट्रेस में आता है। देखते हैं आप लोग, ये जो गोला दोनों बनाया हमने,
पत्ता जोड़ने का तरीका बताओ। ये हो गया। ये दो लाइन ढाका हो गया। आप देखिए दो पत्ते को सही ढंग से काटना होगा। पहले जिस टाइम आप कटिंग करेंगे उस टाइम इसको ऐसे देखेंगे तो दोनों तरफ सही सही रहना चाहिए। तो दो पत्ता ये होता है, इसको आप लोग ऐसे पकड़ते हैं। देखिए देख सके, सभी लोग देखते हैं? जी सर, सभी लोग देख रहे हैं। हाँ देखिए, इसे थोड़ा सा ये ऐसे हो गया। ये मान लो आपका 8 इंच है, आपको इसी हिसाब से चार चार स्टिच होना चाहिए। इसमें पहले इसको मार्किंग कर लीजिए, आपको चार स्टिच चाहिए इतना चौड़ाई के लिए। तो आप लोग ये देखिए, एक हो गया, बाद में आप लोग ऐसे कर दीजिए। ये रहा, इसको ऐसे पकड़िए और बीच में सुई डालिए। जुड़ा हुआ, इसी हिसाब से आप चाहिए तो ज्यादा पत्ता जोड़ सकते। ठीक है जी सर। अभी जोड़ने का तरीका आपको मालूम हो गया। आप अपना दिखाइए, आप पेपर दिखाइए, आपने किया क्या क्या स्केच किए। आज 3 दिन हो गया, 3 दिन में आप लोग कितना स्केच किए। हमने इतना सारे स्केच आपको बताए तो आज तक देख नहीं पाओ कि कौन सा बच्चे लोग स्टूडेंट लोग क्या क्या अभी तक स्केच की बताइए। हेलो जी सर। हाँ जी, तो सर अब हम अपनी कार्यशाला को खत्म करेंगे बस। अच्छा ठीक है, आज का
लास्ट टाइम हो गया क्या? हाँ बराबर ठीक है। आज जितने लोग जुड़े हुए हैं हम हमारी तरफ से सभी लोग को शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े होके ये हमारी उड़ीसा की जो कला संस्कृति होता है ताड़ की पत्ते कपड़े इंटरविंग ताड़ पत्ता खुदाई काम को देखते हैं। सभी लोग इसको सीखने का मकसद तो अब हम कार्यशाला को खत्म करने से पहले हम अपने समर्थकों को भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, SRF फाउंडेशन, अशोक लीलैंड, तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी, डॉक्टर विक्रम सेठ एवं कुसुम नगर। हम इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए विद्वान शरद कुमार प्रधान जी का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। आपकी उपस्थिति और कोमल शब्द हम सभी के लिए प्रोत्साहन का स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी को आगे का शेड्यूल बताना चाहूंगी। 12 बजे से 1:15 बजे तक होलिस्टिक लंच, 1:15 से 2 बजे योग निंद्रा। आज का योग निंद्रा सेशन डॉक्टर किरण सेठ के द्वारा लिया जाएगा और इस दौरान आप सभी को एक योगा मैट और एक बेडशीट लेके ज्वाइन करना है सेशन। 2 से 3:30 बजे तक वीरा नाट्यम बाय श्री चिंता वाक्तेश्वरलु एंड इंटरेक्शन विद प्रोफेसर जया चंद्रन। 3:30 से 5 बजे तक पोइट्री रीडिंग एंड इंटरेक्शन विद श्रीमती शबाना आजमी एंड श्री जावेद अख्तर। 5:30 से 6 बजे तक होलिस्टिक डिनर, 6 से 7:30 बजे तक कार्नेटिक वोकल बाय विदुषी सौम्या एंड 7:30 से 9 बजे तक रुद्र वीणा बाय उस्ताद बहुद्दीन दागर जी। तो आज की कार्यशाला को हम खत्म करते हैं। आशा है कि आप सभी को इस कार्यशाला अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी को कल भी इसी उत्साह के साथ फिर से देखने के लिए उत्सुक हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। तो आप सभी